फरीद खान पूछते हैं कि IOU क्या है, यानी कैसे समझे कि कब हमें बोलना है IOU। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। क्या आपको पता है जब सुकरात मरने वाला था तो वह अपने शिष्यों में से एक को बुलाया और वह कहा IOU to Asclepius। तो क्या आप जानते हैं यहाँ सुकरात ने अपने शिष्य से क्या कहा था? फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ड ओ का मतलब होता है कर्जदार होना। जैसे अगर लिखा हो IOU, इसका मतलब हुआ कि मैं आपका कर्जदार हूँ। यहाँ सुकरात ने कहा IOU to Asclepius, यानी मैं Asclepius नाम के आदमी का एक मुर्गा उधार हूँ या कर्जदार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बात समझा कि ओ का मतलब होता है कर्जदार होना। हालांकि वर्ड ओ का एक और मीनिंग होता है जो है एहसान मंद होना या आभारी होना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं आपका एहसान मंद हूँ तो आप कह सकते हैं IOU, मैं उसका एहसान मंद हूँ IOU him। अगर आपको कहना हो कि मैं फरीद खान का एक लैपटॉप उधार हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे IOU a laptop to Fareed Khan। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि IOU क्या है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा। ऐसे हजारों टॉपिक सीखने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।